सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। सो गाइस, आप मेरे हथियार देख रहे होंगे, कैंची और ये जो आपकी सेलो टेप होती है वो, और गाइस एक डिवाइसेस जो कि रियल मी का 2 प्रो है। तो गाइस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो डिवाइसेस के ये स्पीकर ग्रिल्स होती हैं यहाँ पर नीचे, आप इनको कैसे क्लीन करें। तो गाइस ये देख लें कितनी गंदी से दिख रही है यहाँ पर, आप इनको कैसे क्लीन करें, चार्जिंग जैक, हेडफोन जैक और ये स्पीकर्स, और गाइस कुछ भी आपका जो डिवाइस है उसको कैसे क्लीन करें विदाउट डिवाइस को ओपनिंग किए और कुछ और किए। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए गाइस करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। गाइस आपने मेरे हथियार देख लें, आपको उसको क्लीन करने के लिए एक सेलो टेप चाहिए और एक कैंची, आप कोई ब्लेड ले सकते हैं, और आपके पास वो डिवाइस होना चाहिए जिसमें ऐसा गंद फंसा हुआ है। तो गाइस आप देख लें इसमें कितना गंद है, नीचे जो धूल होती है वो अंदर चल जाती है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बता देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, आपको ना किसी शॉप पे जाने की जरूरत है, ना आपको कुछ खींचने की जरूरत है। घर में आपकी सेलो टेप होगी, आपको उसको लेना है, थोड़ी सी आपको यहाँ पर उसमें से सेलो टेप निकालनी है। सो गाइस मैं थोड़ी सेलो टेप निकाल लेता हूँ यहाँ पे से। भाई निकल जा। तो गाइस सेलो टेप निकलने बहुत टाइम ले रही है। तो गाइज आपकी सेलो टेप निकालें, तो गाइज मेरी सेलो टेप निकल चुकी है, थोड़ी सी सेलो टेप आप यहाँ से निकाल लें। गाइज निकालने के बाद आपको इसको फोल्ड करना है इस साइड से, जिस साइड इसका गम है उस साइड को आपको इसको ऐसे एक फोल्ड करके, एक इसकी आपको जो जैसे आपको रिंग्स एक स्टिक सी बना लेनी है इसकी। तो गाइज आपको इसको फोल्ड फोल्ड करके ऐसे आपको इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करते हैं गाइज, जिस साइड इसका गम होगा उस साइड से फोल्ड नहीं करना, दूसरी साइड फोल्ड करना कि गम जो है वो बाहर की तरफ आए, जिससे कि आपके डिवाइसेस, अगर आप इसको डिवाइसेस में अंदर करें तो आपके डिवाइसेस से कूड़ा है बाहर आए। तो गाइस आपको इस गम बना लेना है, और गाइस थोड़ा सा आपको ये पतला सा गम आगे से बनाना, जिससे कि आपके जो डिवाइस के स्पीकर ग्रिल्स हैं उसके अंदर ये जा सके। तो गाइस मैं थोड़ा पतला सा कर लेता हूँ, गाइस ये पतला सा हो रहा है, मैं इसको पतला कर ले रहा हूँ। तो गाइस पतला हो चुका है, अब गाइस आप कुछ नहीं करना, आपके माय स्पीकर ड्रिल है। सो गाइस ये रहे माय डिवाइस के स्पीकर ग्रिल्स, आपको सिंपली ये जो स्पीकर ड्रिल्स हैं इनमें इसको डालना है अंदर। तो गाइस इसको मुझे और पतला करना पड़ेगा, या गाइस आप ऐसा करें थोड़ा कैंची ले लें, या कैंची में से गाइस थोड़ा सा एक साइड से इसको काट लें, जिससे कि ये और पतला हो जाए, बस एक साइड से काटें, जिससे गाइस ये पतला आपको करना है और आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। सो गाइस ये मैंने पतला कर लिया, आप देखते हैं कि अंदर जाता है ये। सो गाइस अंदर जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा, या गाइस आप इसको साइड रखते हैं, नया निकालते हैं। भाई सेलो टेप बहुत ज़्यादा इसको ख़राब करना, निकालना है पूरी को, या भाई आप ऐसा करें कि नई सेलो टेप लें, या उसमें से नया निकालते हैं गाइस अब आपके लिए हम। भाई गुम हो गया, कहाँ है तू यार? भाई गुम हो गया फिर से वो। सो गाइस ये रहा इतना सा, गाइस आप निकाल लें जितना सा मैंने निकाला है, और गाइस यहाँ से आपको कट करना है। जैसे आप कट करेंगे आपको इसका रोल बैक बनाना है गाइज, आपको उसका रोल बैक बनाना है। गाइज आप थोड़ी सी बड़ी सी जो सेलो टेप वो ले लें, जिससे कि आपके डिवाइसेस की जो स्पीकर ग्रिल्स है इसमें जा सके और आपके हाथ में भी ये रह सके। गाइज ऐसा मत करना कि इसको अंदर ही रहने देना और आपका डिवाइसेस में जो अंदर रह जाए और ये सेलो टेप और डिवाइसेस में आपको कोई खराबी आ जाए। तो गाइज जितना सा आप अपने हिसाब से बना लें, जैसे आप बनाएंगे उसको यहाँ से कट कर लें, जैसे आप कट करेंगे उसके बाद गाइस ढंग से कट करना, कहीं अपना हाथ मत कट कर लेना, तो गाइस ऐसे कट करना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर कट कर लिया, ये रहा, अब गाइस ये कट हो चुका है, लेकिन गाइस अभी भी ये अंदर नहीं जाए, गाइस बहुत बड़ा है अभी तक ये। तो गाइस थोड़ा सा इसको हाथ से रगड़ लें, इसकी पतला हो जाए। तो गाइस आप देखते हैं जाता है, तो गाइस अभी भी नहीं। तो गाइस इसके लिए हमें एक ही फोल्ड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, मेरे को लगता है, या जो सेलो टेप आपके पास आई है आप उसको एक फोल्ड करें, एक लेफ्ट एक राइट ऐसे, और गाइस एक फोल्ड और उसके ऊपर मार दें, और आगे से आपको सिर्फ सिंपल इसको बिल्कुल पतली कर देनी है, जिससे कि वो अंदर चली जाए। सो गाइस मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देख लें। सो गाइस अब ये पतली हो चुकी है, अब गाइस लगता है अंदर पक्का 100% चली जाएगी। गाइस चली तो जाएगी, लेकिन भाई ये आगे से खुल जा रही है बार बार। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। सो गाइस हो चुकी है पतली, इसको अंदर डालें और हमारे डिवाइसेस के जो आपको गंद दिखता था आप उसको यहाँ से क्लीन कर लें। सो गाइस आपको जो दिख रही है यहाँ पर, आप इसको कट कर लें यहाँ पर, जिससे कि ये आपको डिवाइस में अंदर जाने में तंग ना करे।
सो गाइज ये रही। अब आपको गाइज यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इसको अंदर डालना है ऐसे और ऐसे ऐसे करना है और आपके डिवाइसेस के अंदर जो गंद है वो बाहर निकल आएगा। तो गाइज मैं यहाँ पर देखने कर रहा हूँ। गाइज आपको इसको जो गम वाली साइड है उसको अपने हाथों में रखना कि गम आपके हाथों में लगे, इससे गाइज आप जैसे ही करेंगे वो गम है वो इसके साथ चिपक के बाहर आ जाएगा। तो गाइज ये रहा, आप देख लें गम जो है इसके साथ बाहर निकल कर आ जाएगा। हाउस हेडफोन जैक में इसको डालें, अंदर से ऐसे ऐसे रगड़ें और गाइज देखें जो गंद है, गाइज आप यहाँ पर देख लें गाइज जो गंद है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो गाइज वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो गाइज आपको उसको क्लीन करके बता, सो गाइज अब आप देख लें कितने अच्छे से मैंने क्लीन करके आपको बता रहा हूँ। सो क्लीन हो चुका है, एक न्यू ट्रिक थी क्लीन करने के लिए डिवाइसेस को। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए गाइज बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।